हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों के बारे में जानकारी दूंगी। सूर्य मंदिर मोढेरा, ये मंदिर अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण सम्राट भीमदेव सोलंकी प्रथम ने करवाया था। यहाँ पर इसके संबंध में एक सिक्खा लेख भी मिलता है। सोलंकी सूर्यवंशी थे। वो सूर्य को कुल देवता के रूप में पूजते थे, इसलिए उन्होंने अपने आराध्य देवता की आराधना के लिए एक भव्य सुंदर मंदिर बनाने का निश्चय किया। ये मंदिर उस समय की शिल्पकला का एक अनोखा उदाहरण है। इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरे मंदिर के निर्माण में जुड़ाई के लिए कहीं भी चूने का उपयोग नहीं किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। रथ के आकार में बनाया गया ये मंदिर भारत की मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर अपने विशिष्ट आकार और शिल्पकला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मार्तंडेय सूर्य मंदिर। इस मंदिर का निर्माण मध्यकालीन युग में 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। सूर्य राजा वंश के राजा ललित आदित्य ने इस मंदिर का निर्माण एक छोटे से शहर अनंतनाग के पास एक पहाड़ के ऊपर किया था। इसकी गणना ललित आदित्य के प्रमुख कार्यों में की जाती है। बेलासुर सूर्य मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजा सुबा ने करवाया था। बिहार के भोजपुर जिले के बेलाउर गाँव के पश्चिम एवं दक्षिण छोर पर अवस्थित बेलाऊ सूर्य मंदिर काफी प्राचीन है। राजा द्वारा बनवाए गए 52 पोखरों में एक पोखर के मध्य में ये सूर्य मंदिर स्थित है। झालरापाटन सूर्य मंदिर। झालावाड़ का दूसरा जुड़वा शहर झालरापाटन को सिटी ऑफ वेल्स यानी घाटियों का शहर भी कहा जाता है। शहर में मध्य स्थित सूर्य मंदिर झालरापाटन का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर अहम है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में मालाबार के परमार वंशीय राजाओं ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है। ओंगारी सूर्य मंदिर। नालंदा का प्रसिद्ध सूर्य धाम ओंगारी और बड़गांव के सूर्य मंदिर देश भर में प्रसिद्ध हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के सूर्य तालाब में स्नान कर मंदिर में पूजा करने से कुष्ठ रोग सहित कई असाध्य व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन मान्यताओं के कारण यहाँ छठ व्रत करने बिहार के कोने कोने से ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लोग यहाँ तंबू लगाकर सूर्य उपासना 4 दिवसीय महापर्व छठ संपन्न करते हैं। उन्नाव का सूर्य मंदिर। उन्नाव के सूर्य मंदिर का नाम ब्राह्मणे देव मंदिर है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उन्नाव में स्थित है। इस मंदिर में भगवान सूर्य की पत्थर की मूर्ति है जो एक ईंट से बने चबूतरे पर स्थित है जिस पर काले धातु की परत चढ़ी हुई है। इसके साथ ही 21 कलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्य के 21 त्रिभुजाकार प्रतीक मंदिर पर अवलंबित हैं। रनकपुर सूर्य मंदिर। राजस्थान के रनकपुर नामक स्थान में यह मंदिर स्थित है। नागर शैली में सफेद संगमरमर से बनाया गया है। भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है ये सूर्य मंदिर। जैनियों के द्वारा बनवाया गया था जो उदयपुर से करीब 98 किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य मंदिर रांची। रांची से 39 किलोमीटर की दूरी पर रांची टाटा रोड पर स्थित ये सूर्य मंदिर बिंडू के समीप है। 7 संगमरमर से निर्मित इस मंदिर का निर्माण 18 पहियों और 7 घोड़ों के रथ पर विद्वान भगवान सूर्य के रूप में किया गया है। 25 जनवरी को हर साल यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में भारत के कुछ प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों के बारे में बताया है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।